शख्सियत को बुलाना चाह रही हूँ, वो 2007 में वाइस प्रेसिडेंट लाहौर टैक्स बार रहे हैं और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन अरगमान अली शेख साहब, उनसे गुजारिश है कि आएँ और अपने ख्याल का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज एक स्टूडेंट की हैसियत से यहाँ सीखने के लिए आया था। हसीब उल्लाह खान साहब, इनकी बड़ी काविशें हैं जी इस टैक्स बार के लिए, और मैंने जब मेरी नज़र से गुजरा ये टॉपिक तो मेरे उसी वक्त सोचा था कि ये साइड ऐसी है जिसके बारे में लोगों को ज़्यादा इल्म नहीं होता। हमारे पास भी ऑफिसेज़ में जब ये काम आता है तो हम ये किसी को भेज देते हैं, किसी जूनियर को भेज देते हैं, किसी कुलीग को भेज देते हैं, तो लैकिंग थी। मैंने सोचा कि मैं इसके बारे में ख़ुद भी थोड़ा सा मालूम करूं। इससे भी आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि मैं आज भी इस चीज़ को बिल्कुल आर नहीं समझता कि कोई चीज़ नई सीखने को मिले तो फ़ौरन वहाँ पहुँचना चाहिए। मैंने आज ये सोचा कि मैं इसके टॉपिक भी ऐसा इंटरेस्टिंग था, और खलील साहब ने बड़ी खूबसूरती से इसको कवर किया है। एक तो ग्रासरूट लेवल पर भी इसको कवर किया है और स्किलफुल लेवल पर भी इसको कवर किया है, और मैं बड़ा मुतासर हुआ हूँ। आप लोगों के सवालात बता रहे थे कि आप कितने ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं और कितनी आपने इसके अंदर सवालात की वजह से लेक्चर को मज़ीद खूबसूरत बनाया है, तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं अब ज़्यादा नज़र रखूँगा इस बात पर कि मुझे सोशल मीडिया के ज़रिए मालूम होता रहे कि आपके टॉपिक्स क्या हैं, तो मैं फिर हाज़िर होता रहूँगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। अब जिस पर्सनालिटी को मैं बुलाना चाह रही हूँ वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। चेयरमैन लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन हसीब उल्लाह खान साहब से रिक्वेस्ट है कि वो आएँ और आपसे हम कलाम। हमारे प्यारे दोस्त सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनाब अरगाम अली शेख साहब पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन, आज के हमारे उस्ताद और आज की महफिल को जिन्होंने लूट लिया और जिन्होंने आज ट्रेडमार्क के मुताबिक इस तरीके से बयान किया है, मैंने ऐसी अच्छे तरीके से, इतने मुनज़्ज़म तरीके से, इतने खूबसूरत अंदाज से लेक्चर को नहीं देखा। जनाब मैं खलील हैदर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने, क्योंकि ये एक कोई हमने जो प्रोग्राम बनाए होते थे, कुछ सेमिनार्स होते थे, कुछ क्लास थी वन टू वन, कमाल उन्होंने प्रेजेंटेशन, कमाल क्वेश्चन आंसर्स, और ये चीज़ थी इस आज के लेक्चर की ख़ास चीज़। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आज हमारे साथ जो टीम है सोशल मीडिया के लिए, कानूनदान बहुत नफीस स्टूडेंट्स हैं लॉ के, और उन्होंने माशाल्लाह माशाल्लाह सुलेमान अहमद साहब, खुर्द अली साहब, हारिस मलिक साहब मौजूद हैं तीनों, इन लोगों की काविशों से ये प्रोग्राम आप तक पहुँचते हैं, जिसकी वजह से हम लोग ये सोशल मीडिया में जो लोगों को पता लगे कि इतने खूबसूरत लेक्चर्स, इतनी इंफॉर्मेटिव बातें, जो लोग नहीं आ सके वो भी इस चीज़ों को देख सकें। तो फिर आया लफाकत हमारी बहुत प्यारी, हमारे कमेटी की बहुत इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेटर, वाइस चेयरमैन रहा रही, को चेयरमैन मेरी कमेटी में रही, आज वो माशाल्लाह खलील हैदर साहब के साथ होती हैं, और उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि वो इस लेक्चर में हमारी सिफारिश करें मोहम्मद खलील हैदर साहब को, और उनकी सिफारिश से आज हमने ये खूबसूरत लेक्चर अरेंज कर लिया। उनका शुक्रिया अदा करना ज़रूरी है। यहाँ जो हम एक एकेडमी का तस्वर लेके आए हैं, तो उसका सरासर हमारा मकसद ये है कि जो भी कानून को हम लोग, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स थे, हम इंटरेक्शन लें, चीफ गेस्ट आ जाता है, हम चीफ गेस्ट की बातों में, उसके टाइमिंग में कैद हो जाते हैं कि चीफ गेस्ट ने जानना है, अब फंक्शन वाइंड अप जल्दी कर लें, लेक्चर्स को हम प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पाते। ये क्लास 30 लोगों से हमने स्टार्ट की थी कि, और हमारी ख्वाहिश ये थी कि 25-30 लोग इसको हम उनको इसमें एडजस्ट करें। माशाल्लाह लोग, हम किसी को मना नहीं करते, हम कहते हैं वेलकम, और ये तादाद माशाल्लाह बढ़ती जा रही है, और हमें खुशी हो रही है कि वही जज्बा मेरे जहन में था कि थोड़े लोग होंगे ज़्यादा इंटरेक्शन अच्छी होगी, लेकिन मैं देख रहा हूँ जब भी तादाद भी बढ़ रही है तो इंटरेक्शन उससे ज़्यादा बढ़ रही है।
یہ آپ لوگوں کے آنے کی وجہ سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے. آپ لوگ جب ایسے پروگرامس میں آتے ہیں, اپنا ٹائم نکال کے پروفیشنل اسٹڈیز لیتے ہیں, تو آپ ایک نئی فیلڈ کو جاننا چاہتے ہیں. اس کی اسی وجہ سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ میکسیمم آپ کو لیکچرز ارینج کریں. آج ماشاء اللہ ہمارا ٹیکس بار میں تو آٹھواں ہے, لیکن ویسے ہمارے 250 لیکچرز کمپلیٹ ہوئے ہیں جو ہائی کورٹ میں, لاہور چیمبر آف کامرس میں, ٹیکس بار میں, پنجاب بار میں ہم نے یہ ارینج کیے ہیں. ان میں کیونکہ شروع میں ہمارے پاس اسکرپٹ پورا ریکارڈ نہیں ہو پاتا تھا, ہم لوگ اس کے شارٹ ریکارڈنگس کرتے تھے. اب جو ہمارے 3 سال سے ہم نے کمپلیٹ لیکچرز آپ کو پرووائڈ کیے ہیں, اور اس کا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ اگر کوئی چیز مس کرتا ہے تو مجھے بڑے دوستوں نے بتایا کہ جی ہم نے اس لیکچر کو سنا تو ہماری جو پرابلمس تھیں اس لیکچر سے ہماری کور ہو گئی ہے. یہ تمام یوٹیوب میں موجود ہیں, میرے فیس بک میں موجود ہیں, مختلف لنکس موجود ہیں, اس کو ہم اور پروموٹ کریں گے آپ کی رائے کے ساتھ. اب ہماری جو کل ملاقات ہوئی پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ میں, اور ہمارے وکلا وہاں گئے, انہوں نے خدمت سینٹر دیکھا, اس میں دیکھا کہ ڈومیسائل, شناختی کارڈ, برتھ سرٹیفکیٹ, ایون آپ کی جو فرد ہے, یعنی جو لاہور آفس تھا اس میں کینٹ کی سائڈ کی, مال ٹاؤن گلبرگ سائڈ کی فرد آن لائن مل رہی ہے. اس کا طریقہ کار انہوں نے سمجھایا کہ کیسے آپ آئیں اور چند گھنٹوں بعد اپنی فرد لے کے چلے جائیں. وہ چیزیں ایکسائز کے معاملات, ٹریفک کے معاملات, اور نادرا کے ٹوٹل انہوں نے بتایا کہ لاہور رائبن روڈ کے علاوہ تمام علاقوں کے ڈومیسائلس اویلیبل ہیں خدمت سینٹر میں. انہوں نے ہمیں آفر کی ہے کہ آپ لوگ جو لوگ چاہتے ہیں, کیونکہ ہم لوگ ماشاء اللہ ایک ایسی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں جو پڑھنا ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں, اب یہ ہے کہ ہم لا کرنے کے بعد پھر تعلیم چھوڑ دیں تو ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. انہوں نے کہا جی ایسے پروگرام ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ آن لائن آپ انٹرنیشنل کمپنیز کے ساتھ لاہور میں بیٹھے جاب کر رہے ہوں گے, آپ ان کو سروسز پرووائڈ کر رہے ہوں گے, ان کے پاس مین پاور کی کمی ہے, ان کو کافی آرٹیکلس میں آپ لوگوں کی ضرورت ہے, تو ہم ڈیزائن کریں 3 منتھس کا کورس جو گورنمنٹ آف پاکستان کے پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے ساتھ الحاق ہو کے سرٹیفائڈ کورس تیار ہو رہا ہے. اس میں کیونکہ وہ لوگوں کے پاس ہر سال 80,000 کینڈیڈیٹ آتے ہیں, وہ 30,000 ان کو دیتے ہیں, باقی 50,000 رہ جاتے ہیں, تو ہاں ان کے سینٹرز میں جگہ نہیں ہے. ہم نے کہا ہمارے پاس بہت جگہ ہے, ہمارے دل میں بھی جگہ ہے, ہماری پلیسز بھی ہیں, ہمارے پاس ٹیکس بار کے موجود ہیں جگہ, ہمارے پاس ہائی کورٹ بار موجود ہے. ہم نے ڈیزائن کیا ہے کہ کسی جو بھی لوگ کروانا چاہیں گے جن کے پاس لیپ ٹاپس ہیں, کیونکہ انہوں نے کہا لیب چاہیے, میں نے کہا لیب نہیں, ہم یہ کریں گے کہ دوستوں جن کو پہلی کلاس ہوا ہے, جن لوگوں کے پاس لیپ ٹاپ موجود ہیں, ان کو ہم لوگ یہاں ٹرینڈ کریں گے. تعداد کا کوئی ایشو نہیں ہے, ہم اوپنلی سیشنز بڑھا لیں گے, ایک دن میں 3 دن کلاسز ہونی ہیں, پیر منگل بدھ, یا ایک دن چھوڑ کے ایک بیچ کر دیں گے پیر بدھ, اس کے بعد جمعے کا ایک سیشن کر دیں گے, منگل اس کے ساتھ جمعرات اور ہفتے کا ایک سیشن کر دیں گے, تو اس طرح 2 گروپس آپ کے ہو جائیں گے. پھر ٹائمنگ بڑھا لیں گے, ہم 5 بجے کے بعد بھی تیار ہوئے ہوئے ہیں کہ 6 بجے سے لے کے, جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے آفس ٹائمنگ تو 4 بجے تک کوٹ ہے, 4:30 بجے کلاس ہو جائے, تو ہم 5 بجے سے 7 بجے 2 گھنٹے کی کلاس یہ کر رہے ہیں. اس میں یہ ہوگا کہ آپ لوگ اکاؤنٹس کے حوالے سے بہت کام ہے, وہ کہتے ہیں اکاؤنٹس بنانے ہیں آپ آن لائن, کمپنی آپ کو ہائر کرے گی, آپ کو ڈالر ڈیلی پے کرے گی, آپ ان کو اکاؤنٹس بنا کے بھیج دیں گے, آپ ان کو مختلف قسم کی ان کو ہیلپ کر کے دے دیں گے, وہ ٹریننگس آپ کو کرا دیں گے, اس کے بعد آپ کے کو سرٹیفکیٹ گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے ملے گا, اور پراپر آپ کے پاس جو ٹائم بچتا ہے اس میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے لگا کر آپ اچھی ارننگ انٹرنیشنلی کر لیں گے, اور آپ کو فائدہ یہ ہے کہ آپ کے ملک کو فائدہ یہ ہے کہ ڈالرس اور پاؤنڈز جب آپ کمائیں گے تو آپ کے ملک کو فائدہ ہوگا, یہاں پیسے آئیں گے, اور آپ لوگوں کا جو ٹائم جو بچا ہو, جن لوگوں کے پاس وہ سمجھتے ہوں کہ ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم لیپ ٹاپ پہ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے کچھ ارننگ کرنا چاہیں, تو وہ ہم یہاں ارینج کرنا چاہ رہے ہیں. اس میں میں آج کا فائدہ اٹھا رہا ہوں کہ جو دوست یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے اس میں آنا ہے تو ہم ایڈورٹائز تو اس کو پراپر کریں گے, ان شاء اللہ ایس ایم ایس سب لوگوں کو جائیں گے. اس میں بھائی یہی میں نے پروفیسر کو ریکویسٹ کی کہ آپ نے جو سیٹ ریزرو کرنی ہے مہربانی کر کے کسی کا حق نہیں مارنا, آپ کے پاس 3 مہینے بیزی ہیں, کوئی بات نہیں 3 مہینے بعد اگلی کلاس میں آ جائیں, لیکن اگر آپ لوگوں نے کسی اور کو چھوڑ کے اپنی کلاس سیٹ ریزرو کر لی اور اب 3 مہینے نہیں اویلیبل, تو زیادتی نہ کریں, یہ کم از کم اسپیس دیں دوسروں کو, آج اس کی باری ہے کل میری باری ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. آپ کا ایک ٹائم میں کلاس بہت زیادہ ہو گئی, ایک کلاس میں بہت تھوڑے لوگ ہو گئے, جو ٹائم آپ کو سوٹ کرتا ہے اس کلاس میں رکھیں, اس کلاس میں نہ آئیں جس کلاس میں پرابلم ہو رہی ہو. تو باقی جو ہماری کلاسز ہیں وہ انشاءاللہ یہ ہمیں جو چلتی رہیں گی, اس کے علاوہ جو سیمینارز ہیں وہ علیحدہ ہیں. ہم ابھی 13 تاریخ کو لاہور چیمبر آف کامرس میں
कंपनी रजिस्ट्रेशन, क्योंकि आप अभी दोस्त ने सवाल भी किया कि सी पैक के वाले से चाइनीज़ बहुत कंपनियाँ रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं, वो आपके पास आते हैं, हमारे पास क्यूरी के लोग पहुँचे होते हैं, तो मैं कहता हूँ क्लास पे आओ, हम 13 को वहाँ क्लास करवा रहे हैं कि इंटरनेशनल कंपनी जैसे आपको ज़रूरी नहीं है कि रजिस्टर्ड करवाएं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी हमारी कंपनी अगर आपने यहाँ बिजनेस कर रहे हैं तो उस कंपनी को यहाँ भी रजिस्टर्ड करवाएं, उसकी तमाम मालूमात, इवन फिर हमारे जब कंपनी रजिस्टर्ड कर ली, सिंपल है, फॉर्म में बड़ी प्रॉब्लम होती है और हम लोग लिमिटेशन फॉर्म्स की नहीं देख पाते, AGMs का ख्याल नहीं रखते, जुर्माने होते रहते हैं, वो इतने बढ़ जाते हैं कि फिर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है। अगर हम स्मूथ चलें, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम बिजली का बिल भी लास्ट डेट को जमा कराते हैं, हम कोशिश उसका इंतजार करते हैं 28 को है ना, कोई बात नहीं, और उस चक्कर में आके जब लास्ट डे पे आते हैं तो इतना रश हो जाता है और आप लोगों को कोई ना कोई इमरजेंसी आ जाती है और उसके बाद आपको प्लेंटी पड़ती है, तो वो आप बाद में परेशान हो रहते हैं कि आप क्या करें, कोई हल ही निकलता। तो उसका हल यही है कि जैसे ही काम हो आप कोशिश करें फौरी है उसको निपटा दें, हम उसमें हेल्प करेंगे। लेकिन इसलिए हमने 13 को चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रखा है जैसे प्रोग्राम, उसमें हम कंपनी रजिस्ट्रेशन के फॉर्म्स की फिलिंग्स और एडवांस थोड़ा सा और सर वो करवाएंगे। लेकिन अगर किसी का बीच में प्रोग्राम, इस तरह हम SACP में जाते हैं, वहाँ हम क्लासेस अरेंज कर रहे हैं 20-20 लोगों की, इस तरह हम अभी कल पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड गए हैं, इसके अलावा हम फ्रेंसिक में गए, कमाल इन्फॉर्मेशन मशीनें दे के हैरान हो गए, लैब दे के इतनी ज़बरदस्त लैब कि वॉइस से कैसे पकड़ते हैं कि झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, DNA क्या है, बड़ा क्वेश्चन हमारे दिल में था, जाके देखा कि बाल की रूट से DNA होता है, फिंगरप्रिंट्स हम समझते थे कि मिट गए, वो कैसे उठाते हैं, थंब कैसे लगवाना है, आपने एग्रीमेंट लिख लिया, हम लोग क्या करते हैं डॉलर का एक पैड पकड़ा 10-20 रुपए का उठा के लगा दिया और देखा नहीं किसका, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, इंक अच्छी कैसे मिलेगी, महंगी रजिस्ट्री है, करोड़ों रुपए का ट्रांजेक्शन है, कैसे फिंगरप्रिंट नजर आएंगे उस डॉलर की 10 रुपए की, 200 रुपए का पैड है, इंपोर्टेड है, अच्छा है, वो आप इस्तेमाल करो, क्लाइंट पे करेगा, उसकी कम से कम रिकॉर्ड तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ये छोटी छोटी बातें, मामूली मामूली बातें हमने सीखी हैं, वहाँ जाके देखा है कि ये इन चीज़ों का ख्याल रख लें तो चीज़ों को बढ़ जाए। बस यही हमारी तकरीर नहीं थी बल्कि यह है कि कुछ हम एक दूसरे से डिस्कस करें, अच्छा लगा, इंशाल्लाह इन चीज़ों को प्रमोट आगे भी करेंगे और इसके बाद जो प्रोग्राम चल रहे हैं इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि उनका ना मुख्तलिफ जगहों पर हाईकोर्ट में एक डिस्प्ले होगा कि इस वीक इस टॉपिक पे है, इस वीक इस टॉपिक पे है, आप लोग मदद करें, सिविल कोर्ट में भी हम डिस्प्ले करें, आप सिविल कोर्ट गए वहाँ देख लिया, हाई कोर्ट गए देख लिया, बैंकिंग कोर्ट गए, आपको पता होगा ये नोटिस लेक्सेस के हवाले से यहाँ लगा होगा, मुंशी को भेज दिया जाए उधर जाके देखा, वरना आप फेसबुक पे आएँ, मल्टीमीडिया में आएँ, लेक्चर्स के मुताबिक लिखें, वो आपको गूगल में मिल जाएंगे, वहाँ हमने लिखा हुआ है कि वीकली जो हमारे लेक्चर्स हैं वो हम कोशिश करते हैं कोई वीक ज़ाया ना हो, हर वीक हम कुछ कर रहे हैं। अभी हमारा हाई कोर्ट में बहुत बड़ा प्रोग्राम आ रहा है, लॉ कॉन्फ्रेंस आ रही है, उसमें कोशिश किया है कि एक घंटा हम बैंकिंग साइड को देंगे, एक घंटा हम टैक्स साइड को देंगे, उसके बाद कंक्लूड करेंगे जो सोशल हमारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं लॉज के, फौजदारी लॉज के, तो वो कॉन्फ्रेंस है, बड़ी मज़े की है क्योंकि उसमें लंबा टाइम नहीं कर रहे, 45 मिनट्स छोटी सी ब्रेक, फिर 45 मिनट्स का लेक्चर्स, उसमें चीफ जस्टिस साहब हमारे लाहौर हाई कोर्ट के वो आ रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें हैं, इसमें आप आएँ। हर प्रोग्राम में हमने कोशिश की है कि कोई भी प्रोग्राम ऐसा नहीं है जिसमें आपको सर्टिफिकेट्स ना दिए, ये काम आते हैं आपके, आप इंटरनेशनली किसी कॉन्फ्रेंस में अप्लाई करते हैं, वो पूछते हैं कि आपने यहाँ पाकिस्तान में भी अटेंड किए हैं या सीधा आप हमारे पास आ रहे हैं, तो आप दिखाते हैं हाँ ये मैं रेगुलर अटेंड करता हूँ। और आगे जो नया रूल बन रहा है उसमें आप लोगों को लाजमी करार दे रहे हैं कि आप लोगों ने अटेंडेंस दी हो, लर्निंग की हो, प्रोफेशनल स्टडीज़ मुकम्मल की हों अपनी प्रैक्टिस के साथ, तो ये आपकी एविडेंस है और ये मौजूद, बाकी आपकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, सर्टिफिकेट मौजूद है। हाईकोर्ट में जो हमारे प्रोग्राम हो रहे हैं उसमें हर दफ़ा जस्टिस साहब आते हैं और उनको पता होता है ये क्लास हो रही है, उनकी नॉलेज में है। ये मेरी आप लोगों के साथ यही गुजारिश है कि आप लोगों का तावनिस्ता रहे तो इंशाल्लाह हम इस चीज़ को आगे लेके चलेंगे। थैंक यू सो मच।